में जैसे जैसे इकोनॉमी में जलवायु में परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में इसका इनवर्स इफेक्ट या बैड इफेक्ट हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज हमारा फोकस उसी पर है कि जब अर्थव्यवस्था में जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है, तो इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पर आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट, जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में किस प्रकार से पड़ता है, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, जलवायु किसी राष्ट्र के विशेष रहन सहन, खान पान, कृषि अर्थव्यवस्था आदि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो आपका क्लाइमेट होता है वो हमारे पास जो लिविंग सिचुएशंस होती है उसको डिटरमाइन करती है, हमारे पास जो कंजप्शन पैटर्न है उसको डिटरमाइन करती है, एंड हमारे पास जो इकोनॉमी होती है उसको डिटरमाइन करती है। तो आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन का हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है आपके रहन सहन, खान पान और कृषि अर्थव्यवस्था, तीनों पर इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो भारत में लगभग 60 या 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लगे हुए हैं और ये लोग अपनी आजीविका को उससे प्राप्त कर रहे हैं और जो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। वर्तमान भारत सहित संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित है और वर्तमान में विश्व में क्लाइमेट परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप हमारा जो इंडस्ट्रियल आपका इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस है, वो डिक्लाइन हुआ है और ह्यूमन हेल्थ भी प्रभावित हुआ है। पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, यथा जैसे तापमान लगातार बढ़ जाता है, ठीक है, लगातार वर्षा होती चली जा रही है, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आता जा रहा है, आजकल आदि चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार इकोनॉमी में जो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन डिक्लाइन होता चला जाता है, ये नोटेबल पॉइंट हो जाता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य उसमें एजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्पोर्टेंट एजेंट है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के परिणाम स्वरूप आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगता है और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो इकोनॉमी में आपका कंजप्शन पैटर्न ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा और आप पॉवर्टी के पास जाने लगोगे, गरीबी के पास जाने लगोगे और इकोनॉमी में भूखमरी दिखाई पड़ने लगेगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार टेम्परेचर बढ़ने से कम होता चला जाता है। कुछ फसलें तो ऐसी हो जाएंगी कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपको इकोनॉमी में उन क्रॉप्स को करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पैक्ट जो होता है वो निगेटिव पड़ता है और दूसरा डिस्कशन पॉइंट होता है ह्यूमन हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट इनवर्स पड़ता है। जैसे जैसे इकोनॉमी में टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उसके परिणाम स्वरूप लोगों का हेल्थ प्रभावित होता है और हेल्थ प्रभावित होने का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का हेल्थ लगातार डिक्लाइन होता जाता है, मतलब कमजोर होता जाता है और हेल्थ कमजोर होने से किसी देश का जो ह्यूमन कैपिटल है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। वो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, आपका ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी का वीक होता चला जाएगा और जब ह्यूमन कैपिटल समाप्त हो जाएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता उसके परिणाम स्वरूप नेचुरल रिसोर्स फिनिश होने चालू हो जाते हैं। तो नेचुरल जो आपका रिसोर्स है वो फिनिश होने लगेंगे। नेचुरल रिसोर्स फिनिश होने का तात्पर्य होता है आपके पास जो खनिज तत्व है वो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, आपके जंगल कम होते चले जाएंगे, आपके नदियों में पानी कम होता चला जाएगा और कुछ मिनरल्स ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। तो उसके परिणाम स्वरूप जो नेचुरल रिसोर्स है जिनके बेस पर एक इकोनॉमी चलती है वो इकोनॉमी भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेस,
लगभग वाइड इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, और उसके परिणाम स्वरूप आप अर्थव्यवस्था में सबसे विशेष लक्षण इसका देखेंगे, इससे अर्थव्यवस्था में गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकतर ह्यूमन कैपिटल जो होगा आपका वो ह्यूमन कैपिटल लॉस होने लगेगा, और ह्यूमन कैपिटल जैसे ही लॉस होगा उसके परिणाम स्वरूप गरीबी के लक्षण इकोनॉमी में दिखाई पड़ने लगेंगे। तो जलवायु जो होता किसी अर्थव्यवस्था को निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि जलवायु परिवर्तन दिखने वाले संभावित प्रभाव इस बात का प्रमाण देते हैं कि विश्व भर के क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन एक खतरा बना हुआ है। विश्व की जितनी इकोनॉमी है उनको आज एक प्रकार से सबसे ज्यादा खतरा, जो डेंजरस आपका अलर्ट जारी हो गया है, वो जलवायु परिवर्तन का अलर्ट जारी हो चुका है। उन समुदायों तथा पर्यावरण तंत्र के लिए भविष्य में होने वाले ये परिणाम शायद सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, और सबसे ज्यादा खतरनाक होने का मतलब होता है आपके जो जंगली जीव जंतु है, जो विविधता है वनस्पतियों में, वो समाप्त हो जाएगी, और उससे विश्व को काफी अधिक नुकसान होने वाला है। जो पहले से खतरे के मुहाने पे ऑलरेडी थे, कुछ क्रॉप्स, कुछ हमारे पास वनस्पतियां, कुछ औषधियां, कुछ जीव जंतु खतरे के मुहाने पर है, और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ कुछ देशों में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी हमारे पास क्या होता है, इकोनॉमी में डेंजर्स हर तरफ दिखाई पड़ने लगेगी। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग जो आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरने लगेंगे। यानी गरीबी और भूखमरी दोनों हमको अर्थव्यवस्था में नजर आने लगेगी। जो पारितंत्र एवं प्रजातियां पहले से नाजुक स्थिति में है, जो हमारा इकोलॉजी या इकोसिस्टम में जो हमारे पास वनस्पतियां या जीव जंतु खतरे में है, उनके लिए खतरा और अधिक बढ़ जाएगा, और खतरे का स्तर निम्न से उच्च दशा की ओर चले जाएंगे, अर्थात उनके विलुप्त होने का संकट दिखाई पड़ने लगेगा या छा जाएगा। ये क्षेत्र इलाकों के हिसाब से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कोरल रीफ जो आपने देखा होगा, लक्षद्वीप में आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपने देखा होगा, कोरल रीफ का खतरा बहुत उच्च स्तर का है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम, टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से सी का मान बढ़ता है, तो उससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा, और समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप आपका कुछ देश जैसे मलेशिया के देश जो समुद्र तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसे देश क्या हो जाएंगे, इन पर खतरा आ जाएगा। और साथ ही साथ कोरल रीफ, कोरल रीफ का मतलब होता है जहां पर ये कोरल रीफ है, सीप अपना क्या होता है, ये एक प्रकार की चट्टान बनाए, और ये जो विविधीकरण है, और साथ साथ अन्य जीव जंतु जहां यहां पर रहते हैं, ये अन्य जीव जंतुओं का सारा निवास स्थान समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार टेम्परेचर बढ़ने से हमारा इकोसिस्टम प्रभावित होगा, और इकोसिस्टम प्रभावित होने से हमारा जल स्रोत प्रभावित होगा, और उससे सबसे ज्यादा हमारे पास जो प्रजातियां हैं, जो समुद्री जीव है, जो जलीय जीव है, उनका जीवन खतरे में आएगा सबसे पहले पॉइंट पर। अर्थात सबसे ज्यादा अगर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस सबसे ज्यादा पहले प्रभावित होगा, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आप ह्यूमन हेल्थ पर भी देख सकोगे, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेस से आपने देखा कि हमारी जीविका जुड़ी हुई है, जिससे हमारी जीविका पर प्रश्न चिन्ह उठना प्रारंभ हो जाएगा। ये खतरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी है। अगर आपका के आप जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इम्प्रूव होता है तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम लोग खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, और औसतन ज्यादा क्षेत्रों के लिए फसल उत्पादन का जोखिम उच्च स्तर तक नहीं पहुंचता। फसलें अगर 2 डिग्री या उच्च तापमान पर बढ़ता है तो ये अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो हमारी जो फसलों का उत्पादन 1 डिग्री पर डिक्लाइन होगा, 2 डिग्री पर और ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, जिससे फूड क्राइसिस इकोनॉमी में देख सकते हैं। एशिया के लिए वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण जोखिम हैं प्रेजेंट टाइम में।
इनमें से शामिल है आधारभूत संरचना, ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजीविका तथा आवास को क्षति पहुंचाने वाली बढ़ती बाढ़, ऊष्मा से संबंधित मानव मृत्यु दर, क्योंकि हेल्थ डिक्लाइन होगी और उससे ह्यूमन जो होता है ह्यूमन डेथ रेट बढ़ेगा, और सूखे के कारण भोजन तथा पानी की कमी भी दिखाई पड़ेगी। ये आईपीसीसी की इंडियन पैनल फॉर इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने 2014 में अपनी रिपोर्ट जारी की। संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो जलवायु संबंधित जोखिम की मौजूदा समझ के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और उसकी समृद्धि पर कुछ इस प्रकार से नकारात्मक होंगे। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नकारात्मक दिखाई पड़ने लगे हैं और पड़ते चले जाएंगे, ठीक है, उससे कई क्षेत्रों अछूता नहीं होगा और सारे सेक्टर इससे प्रभावित होंगे। इनमें से कुछ संभावित प्रभाव तो निकट भविष्य में ही हमको महसूस किए जा सकेंगे, अर्थात 2040 तक आप देखिएगा क्लाइमेट चेंज का परिवर्तन, जो क्लाइमेट टेम्परेचर इंप्रूव हो रहा उसका परिवर्तन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, जबकि कुछ अनुमानित प्रभाव जो है वो आपको 21वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इस प्रकार भारत का भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से परिवर्तित होने वाली है और टेम्परेचर का इंपैक्ट इकोनॉमी में आपको बहुत जल्द दिखाई पड़ने वाली है। बाढ़ का जोखिम और उससे संबंधित नुकसान के लिहाज से भारत चोटी के उन 20 देशों में है जहां इस तरह की परेशानियां चरम पर जाएंगी। तो भले हम वर्ल्ड लेवल पर अन्य चीजों में पिछड़े हुए हों, लेकिन क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन में हम लोग 20 देशों के कैटेगरी में शामिल है, जो एक प्रश्न बनता है कि आखिर हमने इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। अगर अभी हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा भविष्य खतरे में चला जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन को ये खतरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। 2050 तक इन परेशानियों में 80% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, 2050 में 80% तक हमारे पास इसका सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगेंगे, लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे। समुद्र स्तर के बढ़ने से खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे वाटर लेवल सी वाटर लेवल बढ़ेगा उससे हमारा इन्वायरमेंट बुरी तरह से प्रभावित होगा और जो हमारे पास क्या कहते हैं मैदानी भाग या दलदली भाग है उसके जीव जंतुओं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वेटलैंड का मतलब होता है, जो वेटलैंड आपने देख नाम सुना होगा, जो गीली सतह होती है, जो जो आपके देखोगे वेटलैंड आपका उड़ीसा आपका बंगाल पश्चिम बंगाल में देख सकते हो, इसमें बहुत अधिक वेटलैंड में इकोसिस्टम देखने को मिलता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। ये सारे जीव जंतुओं पर खतरा हमको दिखाई पड़ने लगेगा। कोलकाता मुंबई जैसे दो बड़े शहरों में जान माल का खतरा हो जाएगा। ये दोनों का जो ऊंचाई है इनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप दो बड़े शहर हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। बढ़ता तापमान जो लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाए इसके कारण लेबर प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा और लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो गई। निगेटिव का मतलब जब आपका ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगा तो ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और भारत में खतरनाक स्तर से बढ़ती हुई गर्मी लू का बड़ा खतरा पैदा करेगा और ये खतरा उन श्रमिकों के लिए ज्यादा होगा जो निर्माण कार्यों के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो इन श्रमिकों का हेल्थ बहुत तेजी से प्रभावित होगा। परिणाम स्वरूप हमारा निर्माण जो मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगेगी और ये लोग कई कई घंटे काम कर रहे होंगे। ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर आर्थिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में समुद्र तट तथा पर्वतीय पर्यटन प्रभावित होंगे। और क्या होता इस पर पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यटन है जैसे उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के परिणाम स्वरूप
ज्यादा आवास का दबाव बनेगा, और जब ज्यादा आवास बनेगा दबाव, तो यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये भी राज्य प्रभावित होने लगेंगे, और इन इलाकों में मलेरिया डायरिया जैसी बीमारियां स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो श्रम की उत्पादकता को ले लीजिए, चाहे उनके हेल्थ की बात कर लीजिए, चाहे आपके पास बीमारियों की बात कर लीजिए, सभी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुआयामी होगा और इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा, और पहले एक सेक्टर से प्रारंभ होगा और अन्य सेक्टर्स में बढ़ता चला जाएगा। जलवायु परिवर्तन से भारत पर जो ठोस आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, वो देश के भौगोलिक क्षेत्रों में निम्न स्तर की अनुकूलन क्षमता वाले क्षेत्रों का विकास है, जहां पर लोग अनुकूलन नहीं कर सकते हैं, समाज क्या तो प्रकृति के अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, उनको का विनाश सबसे ज्यादा होगा। आपने देखा होगा जो जीव जंतु होते हैं उसमें अनुकूलन की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विनाश होगा, और हमारी आजीविका आधारित प्राकृतिक संसाधन पर बड़ी संख्या में निर्भरता और एग्रीकल्चर जो होता उस पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। वायु तापमान में वृद्धि के कारण खाद्य उत्पादन प्रणालियां तथा खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले अनुमानित असर से संबंधित अध्ययनों से आर्थिक प्रभाव की विशालता और व्यापकता को हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, और इस ये वाइड रेंज पर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा, इसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान है कि चारों ओर से संबंधित अनाज का उत्पादन 2020 तक 2-14% तक गिर जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट डेटा। 2020 तक, यानी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है तथा गिर जाएगा, तथा 2050 तक इसके उत्पादन में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी, और ये गिरावट इतनी ज्यादा होगी कि अर्थव्यवस्था में गरीबी तथा भुखमरी इसका असर हमको दिखाई पड़ेगा। जबकि सबसे विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक भारतीय गंगा के मैदान में, जो भारतीय गंगा का मैदान है जहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, गेहूं के उत्पादन में 51% की गिरावट दर्ज की जाएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकती है। उत्तरी भारत अक्टूबर, दक्षिण भारत अप्रैल अगस्त तथा पूर्वी भारत मार्च जून में धान की खेती के लिए विकास के विभिन्न चरणों में आवश्यक तापमान को लेकर के दावा किया जा रहा है कि मौजूदा तापमान पहले ही नाजुक स्तर तक पहुंच चुका है, यानी टेम्परेचर बहुत अधिक इम्प्रूव हो चुका है। हाल फिलहाल में किए गए एक अध्ययन में अनुमान जताया गया कि 2050 तक खाद्य अनाजों के उत्पादन में 18% की गिरावट आ जाएगी, जो हमारे देश में भूखमरी और गरीबी का मुख्य कारण बनेगी, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, उत्पादकता कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ बहुत अधिक प्रभावित होगा, और श्रमिक का हेल्थ प्रभावित होगा तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। इस प्रकार दोनों पक्ष से उत्पादकता कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था क्राइसिस में फंस जाएगी। अब बात क्या होती है, जलवायु परिवर्तन होता क्या है। जब किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत, ठीक है, जब दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, जब दीर्घकालीन मौसम में किसी प्रकार का परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है तो हम इसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। या तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाए या टेम्परेचर बहुत अधिक घट जाए। तो ये जो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बहुत अधिक घट जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप यदि, तो हम क्या कहेंगे, ये जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक है। तो यह ऐसा नहीं कि केवल टेम्परेचर बढ़ जाना ही जलवायु परिवर्तन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से घटना भी आपका जलवायु परिवर्तन होता है, और वायुमंडलीय दबाव हमारा चेंज हो जाए, आर्द्रता चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, आदि को जलवायु परिवर्तन की हम लोग संज्ञा दे देते हैं। जलवायु सामान्यता स्थिर रहती है और स्थिर में ही हमारी आदत होती है,
परंतु वर्तमान में स्थानिक एवं वैश्विक जलवायु परिवर्तन में मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन देखने को मिला। इसके लिए ह्यूमन जिम्मेदार है और कुछ नेचुरल डिजास्टर जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हमने देखा, प्रकृति में हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से होता चला जा रहा है। इसे हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जब इन्वायरमेंट में वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन आ जाए, आर्द्रता में परिवर्तन आ जाए, तापमान में परिवर्तन आ जाए, इस प्रकार अगर कोई चेंजेस दिखाई पड़ता है तो इसे हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो मनुष्य है और प्राकृतिक कारण भी है, नेचुरल डिजास्टर भी है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन तेजी से होता चला जा रहा है। जलवायु में दिखने वाली ये परिवर्तन लंबे समय का परिणाम है, लॉन्ग टर्म का परिणाम है। हमने लॉन्ग टर्म तक कोई छेड़खानी जब प्रकृति से करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमको क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। जिस एरिया में हम करते हैं कार्य उसमें तो आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, लेकिन विश्व में भी इसका लक्षण दिखाई पड़ेगा, बल्कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगा और होता रहेगा। क्या जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो आपका पैनल है IPCC, ये जो इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये सबसे बड़ी एजेंसी है जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रखती है। और ये एजेंसी कहती है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान विगत 500 वर्षों की तुलना में काफी अधिक बढ़ गया। जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो कॉन्टिन्यू इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यू बढ़ता जा रहा है। हिमांक मंडल लगातार सिकुड़ रहा है, जिसके कारण जहां से हमारी बर्फ जमती है, जिसके कारण बर्फ जमती है वो सिकुड़ रहा, जिससे हमारे पास क्या होता है, ग्लेशियर पिघल रहे। और पिछले दशक में अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की दर 3 गुना हो गई है। और जब हमारे अंटार्कटिका में जो हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है दोनों में लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी बर्फ पिघलेगी। और विगत शताब्दी वर्ष में वैश्विक समुद्री स्तर जो आपका है में लगभग 8 इंच की वृद्धि देखी गई है। दैट इज नोटेबल पॉइंट कि लगातार ग्लेशियर पिघलने के कारण हमारे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महासागरों का अम्लीकरण भी इसकी पुष्टि करता है, जो आपका एसिडिक होता चला जा रहा है। और वस्तुतः महासागर की ऊपरी परत द्वारा अवशोषित CO2 की मात्रा में प्रति वर्ष लगभग 2 बिलियन टन की बढ़ोतरी हो रही है। और याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसका मेन कंपोनेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कारण ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। और समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो जलीय जीव है उनके लिए ऑक्सीजन की समस्या आएगी। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता होने के कारण समुद्र के जल स्तर का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमारे पास CO2 इज मेन रिस्पॉन्सिबल आपका गैसेस है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है, जिसके कारण लगातार टेम्परेचर बढ़ता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, हम भी बैठ करके आपको लैपटॉप से टीचिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, हेडफोन का यूज कर रहे हैं, इसके कारण आपका इन्वायरमेंट में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो लगातार टेम्परेचर को इम्प्रूव कर रही है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और इन्वायरमेंट में लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमको विश्व से अपील करनी होगी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस का कम प्रयोग करिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डिवाइस का कम प्रयोग करने के साथ ही साथ नेचर को बचाने की मुहिम हमको चलानी होगी। क्योंकि जिस अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो दिन दूर नहीं जब आपके टेम्परेचर इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था में सभी तरफ आपको लॉस ही लॉस दिखाई पड़ेगा। और CO2 की मात्रा प्रतिवर्ष 2 बिलियन टन की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। भारत का तापमान वर्ष 1900 से वर्तमान में लगभग 2% का टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो रीडिंग हमको प्राप्त हो रही है।
जलवायु परिवर्तन के अगर कारणों की विवेचना की जाए तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से हो रहा है, जिससे मानवीय कारणों का अधिक योगदान है। आपका नेचुरल कारण कम है, ह्यूमन जो रीजन है वो ह्यूमन ज्यादा है। आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ह्यूमन का ह्यूमन कारण कैसे कॉजेस कैसे। इस पर देखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है, इनका लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। और ये गैसें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेथेन जो होती है, ये ऊष्मा का शोषक होती है, ये ऊष्मा को सोख लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि उत्सर्जन में वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ये लगातार ऊर्जा को सोखती है जिससे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा। और इनका हम लोग उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, और इनका उत्पादन लगातार हम बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक प्रकार से ह्यूमन ही रीजन है इसका रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण ही ये टेम्परेचर लगातार बढ़े। दूसरा आपका, ये पहला रीजन है, दूसरा आपका रीजन है भूमि का उपयोग में परिवर्तन, इसके लिए जिम्मेदार है। इससे सतह के एल्बोडो में वृद्धि हो गई है, हम लोग लगातार लैंड का यूज करते हैं, तो जिसके कारण ये हमको दिखाई पड़ता। थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा वनोन्मूलन, लगातार हमने जंगलों को नष्ट किया है, पशुपालन, पशुपालन में वृद्धि की है, और पशुपालन में वृद्धि से, अब आपका प्रश्न होगा कि पशुपालन में वृद्धि से कैसे हुआ, तो पशुपालन में जब कोई जानवर जुगाली करता है, जानवर जुगाली करता है तो जुगाली करना मतलब मुंह नहीं चलाता रहता, जिससे मुंह से फेन निकलती है, वो कार्बन आपका मेथेन निकलती है, दूसरा जानवरों के गोबर से मिथेन निकलती है। तो जैसे जैसे आपके जानवरों की संख्या बढ़ेगी, मिथेन गैस की संख्या, मिथेन गैस भी बढ़ती चली जाएगी। एग्रीकल्चर में वृद्धि होगी, आपने धान की खेती देखी होगी, धान की खेती में लगातार पानी भरा रहता है, और ये लगातार पानी क्या करता है, मिथेन गैस को जनरेट करता है। तो लगातार अगर धान की खेती होती है तो भी मिथेन की वृद्धि हो जाती है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग होता है, इन उर्वरकों के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की आप बात करते हो, इसीलिए बात करते हो क्योंकि जो हमारे पास आपका जो इनऑर्गेनिक है, जैसे नाइट्रोजन आपका यूरिया है, डीएपी है, इनके प्रयोग के द्वारा क्या होता है कि जो उसकी उत्पादक जो आपका उपज होती है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू का मान बहुत कम होता है, साथ ही साथ ये क्लाइमेट के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। और कृषि में उपयोग आदि क्रियाएं भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, और यह ह्यूमन एक्टिविटी जलवायु परिवर्तन का कारण है, और जिसके कारण ह्यूमन को ही लॉसेस होते चले जा रहे हैं। प्राकृतिक कारणों में सौर विकिरण में बदलाव है, जो हमने देखा होगा अल्ट्रासोनिक आपका जो रेजेस है, या जो हमारे पास सोलर, आपने देखा होगा जो सोलर तूफान आते हैं, इसके कारण भी हमने देखा होगा परिवर्तन हुआ है। टेक्टोनिक संचालन में, ज्वालामुखी विस्फोट में टेक्टोनिक संचालन, आपने देखा होगा भूकंप में टेक्टोनिक संचालन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से आपको देखिए सबसे ज्यादा गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप भी लगातार क्या होता है, प्रकृति में गैस की संख्या बढ़ेगी, जो गैस क्या करेगी, ऊष्मा को सोखेगी। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण भूमंडली उष्मन है, लगातार धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, और टेम्परेचर बढ़ने के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दसवीं कंसेप्ट है, जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है, जैसे CO2 आपका मेथेन है, इनका अगर उत्पादन बढ़ा, इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर इकोनॉमी में बढ़ेगा, आपका इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे क्या होता है कि एक आपका देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जनरेट होगा, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जनरेट होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा,
आपका ह्यूमन हेल्थ डिक्लाइन करेगा, आपके इकोनॉमी आपका जो इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा उससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी और इकोनॉमी में इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो जिम्मेदार हैं अर्थ आपका इन्वायरमेंट में जलवायु परिवर्तन के लिए। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कृषि को जलवायु परिवर्तन ने व्यापक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ज्ञात है कि भारत में अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित होती है जिससे मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून और अधिक अनिश्चित हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मानसून पहले तो सर्टेन टाइम पे आता नहीं, आता है तो ओवर यानी ज्यादा बारिश हो जाती है या बिल्कुल बारिश नहीं होती, जब रिक्वायरमेंट होती है तब बारिश नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। तो साथ ही वर्षा के असामान्य वितरण, कहीं पर ज्यादा बारिश कहीं पर कम बारिश, तो कहीं पर सूखा, इसी दृष्टिगोचर हो रही है। इसका कारण भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आप देख लो, आपका नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, आप अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आ रहे हैं, आपने देखा होगा इस साल कितने अधिक चक्रवात आए, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को ही डिफाइन कर रहा। और कहीं आपने देखा होगा सूखा खूब पड़ा, मध्य व उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरें लगातार रही, लू चलती रही, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के ही सिम्टम्स थे जिसके कारण हम लोग प्रॉब्लम्स आ रही है। मृदा की नमी समाप्त हो गई, टेम्परेचर बढ़ने से जो ह्यूमिडिटी होती है मिट्टी की वो समाप्त हो जाती है, और जब ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता, कीटों एवं रोगों का संक्रमण बढ़ जाता, आपकी फसल तो होगी ही नहीं, जो फसल होगी वो कीड़े वाली ज्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कम के कारण संक्रमण की तीव्रता बढ़ जाती है, ये आप देखिएगा। अगला पॉइंट है वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने से, जब CO2 का मान बढ़ जाएगा तो उससे गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसी अधिकांश खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक तत्वों की कमी देखी जाएगी। ठीक है, यानी जहां पर भी गेहूं उत्पादन मान लो हो भी गया तो उसमें प्रोटीन का मान कम हो जाएगा, जिससे आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर आपने देखा कि जैसे जैसे CO2 का मान बढ़ जाएगा, CO2 का मान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, गेहूं चावल मान लो अगर हो भी जाता तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी आ जाएगी। आपने देखा होगा ग्रीन जो आपका हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया था, जिसके अंतर्गत गेहूं और चावल का उत्पादन तो बढ़ गया था लेकिन उसमें प्रोटीन तथा न्यूट्रिशनल तत्वों की कमी आ गई थी, जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसी कारण से क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपके पास काफी अधिक प्रभावित हुआ, क्या प्रभावित हुआ, आपका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म लहरें हीट वेव्स होती हैं, आपने जिसको कहते हैं लू लगता, तीव्रता न केवल पशुओं को रोगों के प्रति सुभेद्य बढ़ाती अर्थात जानवरों में आपने देखा होगा बहुत अधिक बीमारियां फैल जाती हैं, और बल्कि प्रजनन क्षमता व दुग्ध उत्पादन में भी कमी आई है। लगातार क्या हुआ कि जो इनके दूध कि जो मात्रा थी, जो क्वालिटी थी वो लगातार कम होती चली गई है। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गर्म लहरों के कारण हमने ये देखा कि लगातार लगातार क्या हुआ, प्रजनन क्षमता व दुग्ध उत्पादन में काफी अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय FAO के अनुसार भारत को वर्ष 2015 तक लगभग 125 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा है। कारण क्या था? केवल टेम्परेचर बढ़ जाना। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक भारतीय ग्रीष्म मानसून की तीव्रता 10% तक बढ़ जाएगी, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी होने का अनुमान है। अगर मात्र 1
डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, और आपको मैंने अभी रिपोर्ट डिस्कस किया कि आपके यहाँ जो टेम्परेचर है वो 2% बढ़ चुका है, और 2% का मतलब होता है कि हमारे पास कितना गेहूं का उत्पादन पहले से ज्यादा प्रभावित हुआ है। अत्यधिक गर्मी के कारण सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में होने वाली गेहूं की उपज में 51% की कमी देखी गई है, अर्थात 51% की कमी आ गई है, और जलवायु परिवर्तन के कारण पराग कारी कीटे, जिसके कारण जो परागण होता है यथा तितलियां मधुमक्खियों की संख्या में कमी से एग्रीकल्चर उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही, क्योंकि ये जो आपके पास ये कीड़े होते हैं, जो ये आपके जीवधारी होते हैं जैसे तितलियां मधुमक्खियां, ये आपके पराग कारी जीव कहलाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या दिखाई पड़ा? तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि के परिणाम स्वरूप मध्यम आय वाले उभरते बाजारों में आर्थिक विकास में 0.9 तक घट सकते हैं, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड भी डिक्लाइन हो जाएगी। अर्थात टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो इकोनॉमी लगभग 1 डिग्री क्या हो जाएगी, 1% आपका जो GDP होगा वो निगेटिव हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो एक प्रकार से बैड इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं, जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव मध्यम तथा निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, अर्थात जब आप हमारे पास क्या होता है कि मध्यम तथा हाँ जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा वो मध्यम तथा आपके पास जलवायु परिवर्तन का जो सर्वाधिक प्रभाव आपका मध्यम और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप वार्षिक आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 5 से लेकर 20% तक इसके प्रमाण को कम करने में व्यय हो सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जलवायु परिवर्तन में 15 वर्षों में 45 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक निर्धन बना दिया है। ठीक है, 45 करोड़ भारतीय क्या हुआ, उनको गरीब बनाया है 15 सालों में केवल जलवायु परिवर्तन के कारण, और सबसे ज्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बाधित हुई है। समुद्र का बढ़ता तापमान कोरल रीफ के लिए खतरा हो गए हैं, और कोरल रीफ के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, और कोरल रीफ वस्तु और सेवाओं के रूप में अनुमानता लगभग $375 बिलियन प्रतिवर्ष उत्पादन करता है, वो भी अब हमारा लगभग खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। जलवायु परिवर्तन आय असमानता में वृद्धि करता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन माइग्रेशन की को इम्प्रूव करता है, माइग्रेशन तेजी से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक बैड इंपैक्ट ये भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने एवं इससे बचाव हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर हाल में कुछ पहल की गई है, जिसमें 2015 में पेरिस में जलवायु समझौता अस्तित्व में आया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर में 2% तक सीमित रखना और इसे और आगे 15% तक सीमित रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को $100 बिलियन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, विकसित देशों द्वारा, क्योंकि विकसित देशों के पास इनकम अच्छी है और वो कहते हैं विकासशील देशों को हम लोग $100 बिलियन उपलब्ध कराएंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन को
इम्पैक्ट को हम लोग कम कर सकें, क्योंकि आपके पास इतनी मनी नहीं होगी। तो विकासशील देशों को विकसित देशों ने हेल्प प्रोवाइड किया है ताकि आप इस पैसे को जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं या जलवायु परिवर्तन के जो कारण है उनके मदद से हम लोग क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन को जो हो रहा है इसको रोकने के लिए प्रभावी होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के COP 23 में पहली बार एक्शन प्लान को अंगीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई है। सौर गठबंधन की स्थापना का तात्पर्य होता है कि जो हमारे पास एक जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कार्य होगा हम लोग मिलकर के काम करेंगे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भी की गई। और COP 25 में पेरिस समझौते के प्रावधान के क्रियान्वयन करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। भारत की गई हरित कार्रवाई, भारत द्वारा क्या एक्शन लिया गया जलवायु परिवर्तन के लिए, वर्ष 2022 के अंत तक भारत द्वारा 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य रखा गया। अभी भारत में जो भी आपका बिजली बनता है वो तापी ऊर्जा से बनता है। तापी ऊर्जा का मतलब होता है कि हम लोग बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं और जिसके लिए कोयले का प्रयोग करते हैं, और कोयले का प्रयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक सृजित होती है। अगर हमारे पास नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हो जाए, जैसे आपके पास जल ऊर्जा हो जाए, जैसे आपके पास सोलर ऊर्जा हो जाए, तो इससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण में काफी अधिक राहत मिलेगी। तो ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है NTPC है, इसकी जगह पर हम NHPC लगाने के सोच रहे हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि हमारे जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है ये ताप ऊर्जा के कारण बिजली के प्रयोग के कारण इसको हम लोग कम कर सके, जिसको वर्तमान में 175 गीगावाट था जिसको बढ़ाकर के 450 वाट वर्तमान में कर दिया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों का संचालन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन इसके अंतर्गत संचालित है। भारत का अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर का निर्धारण योगदान की घोषणा की गई है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्या है आपका, पेट्रोल और डीजल, ये जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन की जगह गैर जीवाश्म ईंधन आपका क्या हो जाएगा, सोलर, आपका जो बैटरी होते हैं इनका आधारित संसाधनों में लगभग 40% विद्युत शक्ति की स्थापना की जाएगी। अर्थात सोलर से चाहे हम बिजली बनाए, चाहे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बनाए, चाहे विंड एनर्जी से बनाए, जो जैसे विंड एनर्जी इस समय भारत में 2% बनाई जा रही है, तो चाहे आपका समुद्र के लहरों से टाइट आपका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ठीक, या तो भूतापी ऊर्जा को लिया जाए, अर्थात हम ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत पर विचार करेंगे, हम उन स्रोतों पर विचार नहीं करेंगे जो लगातार टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन टेम्परेचर को बढ़ने से क्या होता है कि लगातार जलवायु परिवर्तन होगा और हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स जनरेट होगी। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर का कार्बन सिंक सृजित किया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति से सोख लेगा। ठीक है, मैं CO2 के बराबर का कार्बन सिंक सृजित करना, सिंक सृजित करने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति से रिमूव करना, हटाना। इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव के आकलन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, जैविक कृषि को बढ़ाना यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना आदि योजनाओं के संचालन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था में आपका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम हो। जब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम होगा तो उसका हमको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विधियों एवं तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको स्वीकार करना होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हमको प्रकृति के अनुरूप तकनीक को लगाना होगा। संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च एवं विकास को बढ़ावा देना होगा और साथ ही साथ भारत को स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को लगाना होगा। हमें पृथ्वी एवं उसके संसाधनों के संरक्षण को व्यवहार में ला करके जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। हमको आदत डालनी होगी हर बात में, अगर लाइट फालतू जल रही तो उसको बंद करना होगा, मोबाइल फोन का प्रयोग प्रॉपर नहीं करना, जब आवश्यकता हो तो तभी करना, लैपटॉप का प्रयोग जब आवश्यकता हो तभी करना,
ताकि हमको अपनी जीवन शैली डेवलप करनी होगी, तभी हमारा प्रकृति बच पाएगा, और प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए प्रकृति को बचाना अनिवार्य हो जाता है। इसके बदले में हमें प्रकृति की देखभाल व संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था आज हमारे पास बैड कंडीशन से फेज से गुजर रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, आज जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक कारण से ज्यादा मानवीय कारण है, और मानव को इसका भुगतान करना होगा, चाहे वो गरीबी के रूप में करे, चाहे ह्यूमन हेल्थ के रूप में करे, आखिर उसने जो कार्य किया है उसका प्रतिफल प्रकृति उसे ही देगी। इसलिए हमें जलवायु को, अपने पर्यावरण को बचाना होगा, ताकि हम एक श्रेष्ठ मानव के रूप में प्रकृति के साथ अगर तालमेल बिठा करके चलेंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो सकता है। नहीं तो सभी चीज कुछ समाप्त कर देंगे, हम प्रकृति को समाप्त करेंगे और प्रकृति हमें समाप्त कर देगी। तो ये आज आपका था जलवायु परिवर्तन एंड इंडियन इकोनॉमी।